आज पंजाब भर में किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 दिन तक ये धरना जारी रहेगा। बठिंडा में भी किसानों को धरना लगाने के लिए पुलिस के साथ 2-4 होना पड़ा। करीब 20 मिनट तक पुलिस ने किसानों को डीसी कार्यालय में सामने जाने नहीं दिया और घेराबंदी करे रखी। आखिरकार किसानों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर धरना स्थल पर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। अज असी पंजाब दियां संघर्षशील 7 किसान जथेबंदियों वालों सांझे तौर पर सारे पंजाब दे विच सारे जिला हैडक्वार्टर ते धरने देने का 3 रोजा धरने साढ़े 26, 27, 28 अज तो 3 दिन लगातार चलने हैं। इन्हां धरनियां दियां मंगां है किसानां दे करजे खत्म किए जाण, आने वाले दिनों में लंबी म्याद के करजे है जिहड़े वो बिना ब्याज तो मिलन, करजा कानून बने, खुदकशी पीड़ित परिवारों को 5 लाख मुआवजा, एक जी को सरकारी नौकरी मिले, आवारा पशुओं का कुत्तों का पूरा प्रबंध हो, बेरोजगार नौजवानों को रुजगार मिले, इन मंगों को लेकर असं अज 3 रोजे धरने पंजाब दियां 7 किसान जथेबंदियों के सद्दे के तहत सांझे तौर पर शुरू किए हैं। पर बठिंडा प्रशासन वालों बेलोड़ियां रोकां साडे मूहरे खड़ियां करके कल्ले कहिंदे वी बठिंडे के डीसी दफ्तर अगे असीं धरना नहीं लगन देना, इस करके असीं प्रशासन के नाल खहबाजी करते हुए असीं डीसी दफ्तर के अगे पहुंचे। बठिंडा से HRTV न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपू शर्मा के साथ कुणाल बांसल की रिपोर्ट।